हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है भाई क्या है। टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि आज ना मैं भाई बहुत गुस्से में हूँ। आज मैंने तुम लोगों का ना सारा चिट्ठा निकाल रखा है। तुम लोग साले बहुत खून पीते हो मेरा, फ़ोन करके मैसेज करके कि मुझे गेम खेलना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे स्टेज पे उतरना है, मुझे लड़की बनानी है, फलाना ढिमाका ये वो ये वो। आज तुम सालों को सबको असलियत बताता हूँ मैं, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। मैं बताऊँगा इस यूट्यूब हिस्ट्री में, मैं बताऊँगा कि भाई असलियत में क्या है। तुम्हारी औकात है, हाँ तुम्हारी अगर औकात है तभी तुम इस लाइन में आगे घुसो। फिटनेस एक अलग चीज़ है। अगर तुम्हें फ़िटनेस मेंटेन करनी है भाई तो तुम दही चावल खा के फिट रह सकते हो मस्त, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम स्टेज की बात कर रहे हो, अगर तुम एक कंपटीशन में जाने की बात कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाने की बात कर रहे हो, तब तुम्हारी औकात है वहाँ पे जाने की। वो आज ये वीडियो डिसाइड करेगी। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो गाइज, इस टॉपिक को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपके बिगिनर, दूसरे आपके इंटरमीडिएट और तीसरे एडवांस। तीनों को मैं तीनों का बजट बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर लेवल में तो आपका कितना बजट होगा, कितना बजट जा सकता है। मैं ये सारी कैलकुलेशन आपके मंथली बजट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं, कोई भी आप किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहेंगे, वो वेट गेन हो, वेट लॉस हो या किसी भी तरीके का, एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने तक फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट आएंगे। ये जो मैं आपको बजट बताने वाला हूँ जी, आपका मैं 1 महीने का बताने वाला हूँ। देखिए मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये जो चीज़ें मैं, क्योंकि बहुत सारे छबरी लौंडे अभी कमेंट में बकचोदियाँ शुरू कर देंगे अपनी, इतना नहीं लगता, ये है वो है। तो भाई ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कम्पीट करना है, जिनको स्टेज पर जाना है। जी हाँ, और स्टेज पर जाने का मतलब नहीं है जिनको जीतना है स्टेज पर जाके, ये मैं उनकी डाइट बता रहा हूँ कि उनकी उसमें ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती हैं। इससे कम में आप नहीं कर सकते हो। स्टेज पे तो भाई तुम अपना मोटा पेट लेके भी जा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फीस जमा करो स्टेज की और चले जाओ, अपनी बेइज्जती करा के आ जाओ। बट अगर आपको वो गेम जीतना है तो आपको एटलीस्ट इतना आपका बजट होना ही होना चाहिए। तो गाइस, बिगिनर लोगों के लिए जो मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार कर रखी है बेसिक चीज़ों की, जो बिगिनर लड़के हैं जिनको बड़ा शौक होता है कि स्टेज पर जाके भाई साहब बिल्कुल फाड़ देना है अच्छे से, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसमें जो बिगिनर की लिस्ट है, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी स्ट्रॉइड या जीएच वगैरह कुछ भी नहीं है। ये केवल सारी की सारी बहन चोद अभी सब बेचेगा। गाइज, ये जो मैं बिगिनर के लिए पहली लिस्ट बताने वाला हूँ आपको, इसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रॉइड वगैरह, जीएच वगैरह, कोई भी ओरल टैबलेट कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसमें केवल आपके बेसिक सप्लीमेंट्स वगैरह हैं। आप, क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो और आपको कम्पीट करना है, तो पहली बात तो बिगनर को मैं कम्पीट करने की सलाह भी नहीं देना चाहता हूँ। आप कुछ 2-4 साल अच्छे अपने आप में वर्क करो, उसके बाद स्टेज पे जाओ। कौन सा भाई बुढ़े हुए जा रहे हो यार। तो बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, बताना मेरा काम है। तो आप लोग एक भाई कॉपी पेन उठा लो, जितने अपने आपको सपने हैं जिनके बॉडी बिल्डिंग जाने के, आज आधों के सपने टूट जाएंगे। किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, आधों के सपने टूट जाएंगे भाई। बहुत ही हल्के वाला गेम नहीं है ये छपरियों का गेम नहीं है, दिहाड़ी मजदूरों का गेम नहीं है भाई। बिल्कुल साफ बात बोल रहा हूँ मैं, ये 150-200 कमाने वालों का गेम नहीं है ये। बॉडी बिल्डिंग इज़ ओनली फॉर रिच पीपल। कितनी भी लोग बकचोदी कर दी ना, मेहनत कर सकते हो तुम, मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जो डाइट लगेगी बॉडी में वो कहाँ से लाओगे? उसके लिए क्या किसी का मर्डर कर दोगे? नहीं, पहले उस लायक बनो, पहले उस लायक बनो, उसके बाद आके इस लाइन में घुसो। स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज़, आप जैसे मेरा तो खुद का जिम है, तो भाई मुझे तो फीस देनी नहीं पड़ेगी, सबका अपना जिम नहीं होता है। तो एक मैं नॉर्मल सा, मेरा छोटा सा जिम है, आप एक किसी नॉर्मल से जिम का मैं लेके चल रहा हूँ, मैं किसी बड़े अच्छे जिम का लेके नहीं चल रहा हूँ। गोल्ड जिम आपके हो गए, आपके एनी टाइम फिटनेस, इनकी मेम्बरशिप बहुत ज़्यादा होती है। मैं जो नॉर्मल जिम्स होती हैं उनका एवरेज लेके चल रहा हूँ। जिम फीस दोगे भाई, गिरी से गिरी हालत में 700 से 1000 रुपये आपकी जिम फीस होगी, ठीक है? 1000 रुपये तो मिनिमम होगी होगी भाई। आपका जान पहचान वाला है तो आपसे कम ले लेगा, बट मैं एक एवरेज लगा के चल रहा हूँ। 1000 रुपये दोगे, कॉपी पेन उठा लो, नोट कर लेना, नहीं तो साइड में ये डिस्प्ले आ जाएगा। सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है? जिम फीस आप 1000 रुपये दोगे,
कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या ज़रूरत होती है, जो कि लोगों को पता है, आपका वे प्रोटीन। अगर आप गेम की बात कर रहे हो, अगर आप गेम खेलने की बात कर रहे हो, स्टेज पे जाने की बात कर रहे हो, तो वे प्रोटीन में आपको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म आपकी नहीं चलेगी। आपको अच्छी फॉर्म लानी है तो आपको आइसोलेट यूज़ करना पड़ेगा। आइसोलेट का प्राइस मार्केट में 5,000 से लेके आगे जितना भी जा सको, 5,000 मैं एक नॉर्मल ब्रांड का बता रहा हूँ जो ठीक ठाक काम कर जाएगा आपका, 5,000-5,500 रुपये के आसपास का आपको एक वे प्रोटीन 5 LBS का 2.5 किलो का एटलीस्ट एक महीने में आपका लग ही जाएगा। दूसरी सबसे बेसिक चीज़ जो मैं बताऊँगा आपको वो है आपके आपके लिए, वो है आपका ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन आप किसी भी ब्रांड का ले लो भाई, 1500 से नीचे तो भाई इंडियन ब्रांड के बहुत सारे 400-500 रुपए के आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। अच्छा लो MP वगैरह का लोगे या बहुत सारी ब्रांड है तो 1200-1500 के बीच का आपका एक ग्लूटामाइन आएगा। तीसरा जो सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको लेनी पड़ेगी वो है आपका BCAA। भाई रिकवरी नहीं होगी तुम्हारी बॉडी की तो फिर कैसे एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन टाइम में तो पता है आपको कि बिना रेस्ट करे वर्कआउट करना होता है, सुबह भी शाम भी, एप्स कार्डियो वगैरह। जो मेरे भाई कभी गेम खेले होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं खेले होंगे वो आज के बाद, जो खेलने की इच्छा रखते होंगे वो नहीं रखेंगे भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आधे ज़्यादा लोगों का सपना आज टूटने वाला है। BCAA आपका 2,000 रुपये का कम से कम गिरी से गिरी हालत में, कोई भी आप उठा लो, एक्सटेंड वगैरह का बहुत सारे आते हैं, 2,000 रुपये का मिनिमम। ऐप्स बनाने हैं, क्लियर करने हैं, मोटे मोटे ऐप्स चाहिए, ठीक है। फैट बर्नर तो यूज़ होगा भाई, बहुत सारे लोग फैट बर्नर के लिए मना करते हैं, बट कॉम्पिटिशन टाइम में फैट बर्नर आपको यूज़ करना कंपलसरी होता है। कोई कितना भी ज्ञान दे, बिना उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। आप एक फैट बर्नर उठा लो 1,000 रुपये का, ठीक है, 1,000 रुपये का बहुत ही मिनिमम बताया मैंने। फैट बर्नर्स बहुत महंगे महंगे आते हैं, बट मैं 1,000 रुपये का लेके चल रहा हूँ केवल, ठीक है। कार्निटिन, कार्डियो करोगे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग कार्डियो करोगे, एम्प्टी स्टमक कार्डियो करोगे, तो आपको कहाँ से एनर्जी मिलेगी? वो एनर्जी आपको मिलेगी आपके कार्निटाइन से, 1,000 रुपये का ये जोड़ लो, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़, सबसे सस्ती चीज़ जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जी हाँ अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो क्या है आपकी? वो है आपकी मल्टीविटामिंस। जो एक कोनियों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, किस लिए होता है भाई? 1,000 रुपये तुमने 10,000 रुपये प्रोटीन और BCA वगैरह में खर्च कर दिए, बट एक छोटी सी चीज़ के में पैसे खर्च नहीं करोगे, प्रॉब्लम होगी। 500 रुपये की आप मल्टीविटामिन जोड़ लो। हेल्दी फैट्स कहाँ से लेंगे हम? फ़िश ऑयल, 500 रुपये का फ़िश ऑयल जोड़ लो, ठीक है। नोट करते रहना भाई, फिर मत बोलना कि कुछ झोल हो रहा है। कैल्शियम, हमारी बोन्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, एटलीस्ट एक कैल्शियम आप सस्ता 400-500 रुपये का एक कैल्शियम भी इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। इतना आपका ये हो गया। देखिए गाइस, सप्लीमेंट तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, बट रॉ डाइट जो होती है वो हमारी किंग होती है, ठीक है। रॉ डाइट हम जब तक अच्छी नहीं रखेंगे तो भाई हमारे सप्लीमेंट भी इतने अच्छे असर नहीं करेंगे। ये जो मैं कंपटीशन वाली बात बता रहा हूँ, इसमें मैं नॉनवेज जो लोग खाते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैंने खुद नॉनवेज खा के कम्पीट करा है, तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। वेजिटेरियंस का मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, बनाने को तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है वेजिटेरियंस के ऊपर, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो मतलब वैसे आइडिया है, बट कंपटीशन टाइम में मुझे वेज का कोई आइडिया नहीं है, तो आई एम सॉरी। पनीर खा के अगर आप स्टेज पे उतरना चाहो तो आप उतर सकते हो, बहुत सारे एथलीट उतरते हैं, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। चिकन खाओगे? 250 से 300, 400, 500 ग्राम तक चिकन तो एक दिन में खाओगे आराम से, इतना तो खा ही जाता है भाई, 400-500 ग्राम, ठीक है। मैं 80 रुपये पर डे के हिसाब से लेके चल रहा हूँ आपका, कि एटलीस्ट 70 से 80 रुपये का आप चिकन एक दिन में तो खाओगे ही खाओगे। अगर इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2400, 2400 रुपये का आपका केवल चिकन हो गया, जो आपको एक महीने में यूज़ करना पड़ेगा। एग्स, सीधी सी बात है, एग्स तो खाओगे आप, प्रोटीन अपनी डेली इनटेक कहाँ से पूरी करोगे, ठीक है। एग्स हो गया, जो आपके एग्स हो गए वो एटलीस्ट मार्केट में मेरे यहाँ तो 3-4 रुपये के हिसाब से मिलता है, तो मैं एक 50 रुपये के एवरेज लगा के चल रहा हूँ, कि अगर 50 रुपये के हम 10 से 12 अंडे हमें एक दिन एक मतलब मिल रहे हैं एक टाइम में, एक दिन में आपके, तो अगर मैं इसका 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके हो रहे हैं 1500 रुपये।
1500 रुपये आप एक महीने में आप अपने एग्स के किनारे कर लो, ठीक है। ग्रीन वेजीज हो गई, आपकी दाल हो गई, राजमे हो गए, छोले हो गए, बहुत सारी जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। आप लंच में कुछ ना कुछ तो लोगे, आप चिकन ही चिकन तो नहीं खाते रहोगे, तो भाई ग्रीन वेजीज बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हो गई आपकी ग्रीन वेजीज हो गई। तो अगर मैं इन सब का एक मोटा सा एक एवरेज लेके चलता हूँ एक दिन का, तो इस सब में 50 रुपये लेके चलता हूँ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो आपका निकल के आएगा 1500 रुपये। तो इतना ये मैंने बहुत ही मिनिमम जोड़ा है, मिनिमम जोड़ा है कि मतलब आप इससे बढ़ा सकते हो बट आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो अगर आपको अच्छे लेवल पे कम्पीट करना है। तो भाई ये मैंने बिगनर का बताया पूरा। अगर हम इसका पूरा टोटल कैलकुलेट करते हैं, पूरा सब फाइनल इसका अमाउंट निकालते हैं, तो हमारा आ रहा है 18,400 रुपये। निकले धुएं? नहीं निकले, अभी निकलेंगे फिर। अभी अगर नहीं निकले तो अभी निकलेंगे, ये एक महीने का बता रहा हूँ, ठीक है। और भाई मुझे करेक्ट करते रहना अगर मैंने इनमें से कोई भी चीज़ गलत बताई हो, आप मुझे बेशक करेक्ट करिए अगर मैंने कुछ गलत बताया उसमें, कि इसमें भाई मैंने कौन सी एक फ़ालतू चीज़ ऐड करी है, फालतू चीज़ कोई भी एक ऐड करी हो बताना। चलिए बात करते हैं अब हम अपने इंटरमीडिएट लेवल के बारे में, ठीक है। कॉपी पेन उठा लो, अब मैं बताने वाला हूँ स्टेरॉइड्स के बारे में कि हम कौन कौन से बेसिक स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करेंगे, हैं। चलो लिखो। बहुत होशियार समझ रहे हो अपने आप को। नाम बता दूँ, नाम बता दूँ, नाम तो बताऊँगा। देखिए भाई ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, आप गूगल कर लो, या आपको अगर जानना है तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम आईडी डाल दी मैंने, आप मुझे वहाँ पे करो मेल तो मैं बताऊँगा। हाँ तो बात करते हैं हमारी जो इंटरमीडिएट लेवल में जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे, एटलीस्ट गिरी से गिरी हालत में हमें 4 सॉल्ट यूज़ करने ही करने हैं। अब भाई सॉल्ट का मतलब इतना मैं डीप नहीं बताऊँगा कि क्या होता है, समझदार लोगों को इशारा काफ़ी है। 4 सॉल्ट तो मिनिमम हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा। 4 इंजेक्टेबल और 2 ओरल, एटलीस्ट 6 चीज़ें तो हमें यूज़ करनी ही करनी है एक अच्छे लेवल की बॉडी अचीव करने के लिए। तो देखिए अगर आप 4 इंजेक्टेबल, तो मैं मिनिमम उसकी डोजेस मान के चल रहा हूँ 12,000 रुपये, बहुत कम, इसके ऊपर ही आएंगी, इसके नीचे नहीं आने वाले 4 इंजेक्टेबल। और अगर मैं 2 ओरल लेके चल रहा हूँ ना, तो इसका मैंने बहुत ही मिनिमम 3,000 रुपये मान रखा, केवल 3,000 रुपये, ठीक है। ये आपका जो मैंने जोड़ा है ये मैंने एक महीने के हिसाब से बता रहा हूँ, एक महीने के हिसाब से, ठीक है। कि ये जो आपका 4 सॉल्ट और ये 2 ओरल बोले हैं ना, एक महीने बताए हैं, तो ये आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 15,000 रुपये, ठीक है। ये इंटरमीडिएट लेवल का होगा। अब आप 18,000 प्लस 15,000 कर लो, टोटल अमाउंट नीचे यहाँ पे साइड में देख रहे हो ना इसको, ठीक है। ये मैं इंटरमीडिएट लेवल की बात बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं हमारे एडवांस लेवल की। हाँ भाई निकला धुआं इंटरमीडिएट लेवल वालों, धुआं निकला तुम्हारा है, अब थोड़ी अकल खुल रही होगी कि भाई कि यहाँ इसमें कुछ नहीं रखा हमारा, फिटनेस मेंटेन करनी, दही चावल खाओ, अंडे खाओ, बट स्टेज पे चढ़ने के सपने मत देखो। मुझे मैसेज करके आज बहुत इरिटेट हो चुका हूँ मैं, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मेरे को दिन भर 100-200 लोग मैसेज कर देते हैं कि मुझे गेम खेलना है। भाई हलवा नहीं है ये कि मुँह में रखा, गटक लिया, गेम खेल लिया, इतना आसान नहीं है ये। बात करते हैं हमारे एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में हमारी सारी जो बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें तो होंगी होंगी, बट हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारी बॉडी एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। हम जिन एथलीट के साथ कंपीट कर रहे हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो हमें भी अपने आप को थोड़ा सा एडवांस लेके चलना पड़ेगा। तो एडवांस में हमें ऐड करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। HGH, हमारे भाई लोग बहुत सारे जो लोग इस लाइन से रिलेट करते हैं वो जानते होंगे HGH और IGF, ग्रोथ हार्मोन से सारे के सारे ये, तो हमें ये ऐड करने पड़ेंगे। काफ़ी कॉस्टली आते हैं। आप इनके बारे में गूगल वगैरह पे पढ़ लेना, बहुत सारे ज्ञानी लोग तो गूगल में ही पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। हमारा एक्सपीरियंस बेकार है, जाटू हैं। तो HGH की बात करते हैं। HGH या IGF हम कोई भी एक ठीक ठाक ब्रांड का भी लेंगे ना, तो भाई 15-16 हज़ार से नीचे नहीं आने वाला। अगर कोई 5,000 रुपये का तुम्हें HGH दे रहा है ना, तो भाई चूतिया बना रहा है तुम्हारा, मत लेना। 15,000 रुपये एटलीस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 15,000 हो गए आपके HGH के, 15,000 हो गए आपके स्टेरॉइड्स के, और 18,000 रुपये हो गए आपके
बाकी सप्लीमेंट्स और आपकी डेली इंटेक के, देख लो टोटल कितना हो रहा है। अकल खुली? इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब किसी को डिमोटिवेट करना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था भाई। ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर फेस करी हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो स्टेज पे कम्पीट करा है जिन्होंने, उनको देखा है मैंने, उनको तैयार करा है मैंने। इतना लगता ही है मिनिमम। ये नहीं होता कि जिम में 1000 रुपये फ़ीस दिए, 4 डंबल मारे, जिम के बाद जाके 4 अंडे खा लिए तो तुम स्टेज के लायक बन जाओगे। मेरे साथ वाले भी घिस रहे हैं 18-18 साल से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक कपड़े उतारने की चड्डी में अपने आप को देखने की, क्योंकि उनको अपनी औकात पता है। तो उनको अपनी औकात पता है तो भाई उनको पता रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपनी औकात नहीं पता तो भाई सबसे पहले अपनी औकात पता करने के लिए अपनी जेब मजबूतें करो, आप जेब मजबूत करो, अपना बजट मजबूत करो। घर वालों से आप अगर कहोगे 50,000 रुपये मुझे महीने के चाहिए एक स्टेज पे कम्पीट करने के लिए, ऐसी तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारेंगे ना, हैंचुत गिरोगे जाके अलग। तो इसलिए खुद पहले काबिल बनो, खुद कुछ अर्न करो, उसके बाद आके ये इस लाइन में, फिटनेस लाइन में घुसो। नॉर्मल फिटनेस करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट रह सकते हो, वो एक अलग की चीज़ है। लेकिन अगर आपको कम्पीट करना है ना, तो अगर आप एक अच्छे लेवल पे कम्पीट करना चाहते हो तो 2 साल कम से कम आपको अपनी बॉडी पे फाइनेंस करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बॉडी आपको फाइनेंस करेगी। एटलीस्ट 2 से 3 साल आपको लाखों रुपए अपनी बॉडी को खिलाने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी आपको खिलाएगी। ये मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, कोई इसमें फेंकने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैंने कोई भी फालतू बात इसमें बोली हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर बस भाई वही लाइक शेयर कर, रोना शुरू हो गया हमारा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और आती रहेंगी। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।